अनंत ये वाली सुन, अनंत ये वाली। हमारे तोहाना में मशहूर है शेरू का ढाबा, हमारे तोहाना में मशहूर है शेरू का ढाबा, और फिजिक्स में नौका पार कराने आ गए हैं फिजिक्स बाबा। थैंक यू सो मच फिजिक्स बाबा हरियाणा, क्योंकि ये था फिजिक्स बाबा हरियाणा की तरफ से एक छोटा सा प्यार भरा मैसेज जिसने स्माइल ला दी चेहरे पर और मजबूर कर दिया कि कुछ बोला जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का लास्ट वीडियो, और वो है अगेन तीन लेंसेज से रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ आया? तीन लेंस हैं, तीनों की फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट रखी हुई थी 40 सेंटीमीटर पे, फाइनली इमेज बन रही है आपकी 20 सेंटीमीटर पे, मतलब इसके फोकस पे इमेज बन रही है। बताइए इन लेंसेज के बीच का सेपरेशन क्या है? क्वेश्चन पिछला थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है, बट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है 40 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक के बाद एक ही निपटता हूं। सबसे पहले मैं इसके लिए देखता हूं कि मेरी इमेज कहां बन रही है। तो पहले वाले ने इमेज बनाई 40 सेंटीमीटर पे, आगे क्वेश्चन सॉल्व आप करेंगे, मैं सिर्फ बताने वाला हूं क्या करना है। इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट थी 40 पे, इमेज भी बनी 40 पे, यानी ये डिस्टेंस हो चुकी है मेरे पास 40। अब ये जो और रेज हैं, ये इंसिडेंट होने वाली हैं दूसरे लेंस पे, फिर कुछ निकलेंगी। एक बात बताओ, अगर फाइनल इमेज फोकस पे बन रही है, फाइनल इमेज फोकस पे बन रही है, तो रेज कैसी आनी चाहिए थी? पैरेलल। अगर फाइनल इमेज फोकस पे है तो इस लेंस पे रेस कैसी आनी चाहिए थी? पैरेलल। और ये पैरेलल रेस कहां से आएंगी? ये इस लेंस से आएंगी। और ये रेज पैरेलल कब होंगी? जब ये रेज इसके फोकस से आ रही होंगी, यानी 20 सेंटीमीटर से आ रही होंगी। कितना आसान हो गया, पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट निकाला, कहां इमेज बन रही है, इमेज की पोजीशन आ गई। लास्ट वाले ने कहा कि मेरी इमेज तो फोकस पे बनेगी, अगर मेरी इमेज फोकस पे बन रही है तो रेज आएंगी पैरेलल। ऑब्वियसली पैरेलल रेज कब होंगी? जब ये इसके फोकस से आएंगी, और फोकल लेंथ क्या है? 20। तो ये था 40, ये हुआ 20, तो L1 L2 के बीच की डिस्टेंस आ गई 60 सेंटीमीटर, और ये रेज हो चुकी हैं पैरेलल। अब आप ये डिस्टेंस जो करना चाहो कर लो, क्योंकि पैरेलल रेज हैं, फाइनली इमेज तो फोकस पे ही बनाएंगी। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में L1 L2 के बीच का आंसर है 60, और L2 L3 के बीच डिस्टेंस कैन बी एनी, क्योंकि पैरेलल रेज हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जल्दी से पॉज करो और नोट करो। तो इस वीडियो में फिर से हमने तीन लेंस लिए थे। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, क्या था वो क्वेश्चन? इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली कि ये करना क्या है, और ये अभी तक का सबसे ज्यादा दिमाग लेने वाला क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, ये मेरे पास था एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के नीचे एक लिक्विड था, अपने पास एक मिरर था, मतलब दो लेंस एक मिरर। सिंपल सा लॉजिक है, उसने ये बोला कि जब वो ऊपर से एक पिन रखा है तो उस पिन की इमेज वहीं पे बननी चाहिए। जब वो अपनी आईज को मूव करेगा तो पैरेलेक्स वो करते थे ना प्रैक्टिकल में, तुम लोग एक आईज बंद करके या दोनों आईज खोल के भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। जब अपन ऐसे मूव करते हैं और अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो हम बोलते हैं पैरेलेक्स है, और दोनों साथ जाते हैं तो हम बोलते हैं पैरेलेक्स रिमूव हो गया। तो ये पैरेलेक्स रिमूव तभी होगा जब ये
फोकस पर आ जाएगी, क्योंकि फोकस से चलने वाली रेज हो जाएंगी पैरेलल, और पैरेलल रेज जब बाउंस बैक होके जाएंगी तो वापस फोकस पे मिलेंगी। करा था ऐसा एक क्वेश्चन हमने, तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई कि यहां पर जब इमेज तभी बनेगी जब ये फोकस पर होगी। पहले केस में यहां लिक्विड था, दूसरे केस में लिक्विड हटा दिया। जब लिक्विड हटा दिया तो फोकल लेंथ क्या आई, बी। तो मैंने उस केस का ही फायदा उठाया, मैंने कहा यार 1 upon f is equals to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। मैं क्या देख रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये मेरे पास एक लेंस है, एक मेरे पास लेंस बन गया ये लिक्विड का, ये लिक्विड का लेंस बन गया, ये बना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और मिरर, मिरर का काम तो सिर्फ बाउंस बैक करना है, सीधी आने वाली रेस को बाउंस बैक कर दिया ताकि इमेज वहां बन जाए। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को देख रहा हूं मैं। तो जब मैंने इस लिक्विड को हटा दिया तो सिर्फ एक ही लेंस है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो इस समय फोकल लेंथ कितनी आई, दूसरा वाला केस है ये बी, जब लिक्विड हटा दिया तो एफ की जगह पे बी। इक्वी कॉन्वेक्स है तो आर वन अगर पॉजिटिव है तो आर टू नेगेटिव होगा रेस की डायरेक्शन में, तो ये हम कर चुके हैं। और R1 और R2, जैसे ही मैंने इसमें R1 और R2 की वैल्यूज रखी, 1 अपॉन B आ गया 2 mu माइनस 1 अपॉन R, कोई इशू नहीं है हमारे पास, बिल्कुल B आ गया मेरे पास mu के टर्म्स में। जैसे ही मैंने कहा भाई मैंने इसको रख दिया यहां पे, हाँ ठीक है, जैसे ही आपने इसको जैसे ही साथ में रखा तो अब ये एक्चुअली में एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू। 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू में मुझे एफ टू क्या है, एफ टू है सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना आया, ए। अकेला कॉन्वेक्स कितना है, बी, फोकस बी पे बन रहा है जब लिक्विड हटा दिया था। तो भैया अकेला कॉनकेव यानी अकेला लिक्विड के कारण जो लेंस बन रहा है ये कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ क्या है, F2। ठीक, तो F2 निकाला मैंने, तो ये आ गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब अगली प्रॉब्लम क्या है मेरे सामने कि यार F2 तो पता ही नहीं है, तो एक काम करो इसको अलग से देखो, अलग से देखो मतलब इस लेंस को देखो और लेंस मेकर को याद करो। लेंस मेकर क्या बोलता है, 1 upon F यानी 1 upon F2 is equals to mu minus 1, अब किसका mu, लिक्विड का mu, minus 1, 1 upon minus R, minus क्यों, क्योंकि भैया इसमें R इस तरफ है, पहला R1 और दूसरा तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ बिग स्फीयर यानी कि इन्फिनिटी हो गया, और अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये पार्ट इन्फिनिटी, ये हो गया R। जैसे ही वैल्यू रखी 1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू एल माइनस 1 अपॉन R, थोड़ा सा और इसे सॉल्व करा, इन दोनों फोकस को इक्वेट कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया R 1 upon A minus 1 upon B is equals to minus mu minus minus plus 1। mu L को इस तरफ लाए, बाकी सब को उधर ले गए, मेरे पास निकल के आ गया लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहते तो यहां से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकल जाता, आप चाहें तो इस B की वैल्यू वहां रख दें तो इस म्यू के टर्म्स में भी वो फॉर्मूला आ जाएगा। ये जानबूझ के हमने किया, हमसे इसमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनवाया जा सकता था और आंसर निकलवाया जा सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ए का, बी का, अगर न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो, बट लास्ट ईयर इन्होंने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी थी, ए बी सी के टर्म्स में ही एक क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे, हम इस बार नहीं फंसेंगे। तीन लेंसेज वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार, हम इस बार मार्क्स ला के रहेंगे, अपना टाइम आएगा, जल्दी से नोट करो और पॉज करो। तो फाइनली हमने हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बहुत अच्छे खत्म किए, आज के दिन के लिए हमारे पास है इतना ही, बट कल हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो इंतज़ार करिए वेव ऑप्टिक्स का। लास्ट डे हमने पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा है, बहुत हैवी था, नहीं समझ में आया हो बार बार वीडियोस देखना, फिर भी ना आया हो ज़रूर डाउट पूछ लेना, हम 6 यूनिट्स खत्म कर चुके हैं और अब तो हाथी निकल गया, पूंछ बची है, खत्म करते हैं उसे भी। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।